सीधा पीसीसी का रुख करेंगे, जहां पर आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पुष्पांजलि सभा रखी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज है और पीसीसी में पुष्पांजलि सभा का आयोजन हुआ है। लगातार तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मुख्य सचेतक महेश जोशी वहां पर हैं और साथ ही तमाम कांग्रेस के नेता विधायक वहां पर मौजूद हैं। पीसीसी मुख्यालय में राजीव गांधी को नमन उन्होंने किया। पीसीसी में पुष्पांजलि सभा का आयोजन हुआ है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है और इसी अवसर पर आज इंदिरा रसोई योजना की भी शुरुआत होगी, शुभारंभ होगा। सीएमआर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल लॉन्चिंग करेंगे। जो सपना था मुख्यमंत्री का, प्रदेश में कोई भूखा ना सोए, उसी को लेकर आज का दिन चुना गया है। इंदिरा रसोई की लॉन्चिंग के लिए आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती भी है। सबसे पहले पीसीसी में सभी गणमान्य लोग पहुंचे, राजीव गांधी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए, पुष्पांजलि सभा का आयोजन है वहां पर। और कुछ ही देर में आपको बता दें इंदिरा रसोई की वर्चुअल लॉन्चिंग भी होगी। उससे पहले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पीसीसी मुख्यालय की, जहां पुष्पांजलि सभा का आयोजन हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पुष्पांजलि सभा का आयोजन हुआ है। 21वीं सदी में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए देश 20वीं सदी में अपने आप को तैयार करे। नई शिक्षा नीति, दल बदल विरोधी कानून, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बहुत महिलाओं के प्रति उनका जो एक महिलाओं की जो पीड़ा समझने का उनका एक भाव था। कंप्यूटर की बात हो, मोबाइल की बात हो, देश को एक नया रूप देने की बात हो, राजीव जी ने हर क्षेत्र में पहल की। मैं ऐसे विशाल व्यक्तित्व को आज जो हमारे बीच में नहीं है, देश की एकता अखंडता देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको ताकत दे कि हम उनके बताए मार्ग पर चल सके। सर, इंदिरा रसोई का आगाज हो रहा है, बीएससी की मीटिंग है, विधानसभा के सत्र में आगे क्या विषय लिए जाएंगे, कब कब उन पर चर्चा होगी, इन सब पे आज 3 बजे बीएससी है, उस पर फैसला होगा और उसके अनुरूप हम आने वाले समय में कल और उसके बाद सोमवार को जैसा भी बीएससी का तय होगा हम अपना कार्यक्रम निर्धारित करें। सर, इंदिरा रसोई के बारे में, इंदिरा रसोई अपने आप में एक अनूठी योजना है, हम आज इसकी शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से कहा, जब से कोविड आया उससे पहले और उसके पहले भी, कांग्रेस तो हमेशा कहती आई है हम गरीबों के साथ हैं, तो किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे और हम इंदिरा रसोई जैसी योजनाओं के माध्यम से देश की गरीब जनता के सामने एक ऐसा विकल्प प्रस्तुत करेंगे कि देश में किसी को भूखा नहीं रहना पड़े। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती है। हम सब लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए, पुष्पांजलि अर्पित करी और उनके द्वारा जो योगदान रहा भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से और देश की राजनीति में, मैं समझता हूँ कि राजीव जी ने बहुत कम समय में वो काम कर दिखाया। 80 के दशक में अगली शताब्दी की नींव रखने के लिए क्या तैयारियां नौजवानों को करनी है, आईटी, टेलीकॉम, कंप्यूटर का जो रेवोल्यूशन देश में आया उनकी परिकल्पना थी और आज उनको गए लगभग 30 साल हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ आज भी नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है।
हम सब न सिर्फ कांग्रेस जन, लेकिन वो जमाना ऐसा था जब राजीव गांधी जी न सिर्फ देश लेकिन दुनिया भर के लिए एक प्रतीक बन गए थे। आज उनको हमने याद किया और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है इस देश में, चाहे पंचायत राज का गठन हो, चाहे एंटी डिफेक्शन कानून हो, दुनिया भर के जो बदलाव वो लेकर आए पार्लियामेंट के माध्यम से, एक प्रचंड बहुमत उनके पास था। 400 सांसद होने के बावजूद जब भाजपा के पास सिर्फ 2 सांसद थे, तब भी कभी उन्होंने ऐसी बातें नहीं करी कि विपक्ष मुक्त कराना है भारत को। लेकिन आज जो लोग सत्ता में हैं वो कांग्रेस मुक्त करने की बात करते हैं। इस प्रकार की दुर्भावना वाली राजनीति को हमेशा राजीव जी ने नकारा था। एक सरल शांत स्वभाव के मधुरभाषी पढ़े लिखे नौजवान अच्छा बोलने वाले एक ऐसे नेता थे जिसको पूरे देश दुनिया पर गर्व था। आज उनको हमने याद किया और आने वाले समय में उनका अनुसरण कांग्रेस पार्टी करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, हम सब लोग जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से, मतदाताओं से, नागरिकों से एक अटूट संबंध बनाकर रखें, वही राजनीति की नींव होती है। हम किसी पद पर हों ना हों, सत्ता में हों संगठन में हों, लेकिन लोगों के साथ एक अटूट और एक जज्बाती जो संबंध है वो बना रखना चाहिए। टोंक मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत भारी बहुमत देकर जिताया था। 1.5 साल में हम लोगों ने वहाँ काम भी किया, लेकिन आने वाले समय में और उस काम को गति दें, इस बात को लेकर क्षेत्र में गया था, सबसे मुलाकात करी। और मैंने भी वहाँ पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, वार्ड मेंबर हैं, सरपंच हैं, उन सबसे संवाद किया और लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। मुझे थोड़ी आशंका थी कि कोरोना के चलते भीड़भाड़ कम हो, लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ पर आए, अपना आशीर्वाद दिया, उनके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा। इसमें बहुत ज़्यादा बयानबाजी और अखबार में छप रहा है खबर। सरकार कांग्रेस पार्टी की बहुमत से बनी थी, कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है, जो बात हम लोगों को सुझाव के रूप में देनी थी कांग्रेस पार्टी को वो दी है। उसके बाद एक कमेटी का गठन हो चुका है। अब कमेटी बहुत जल्द, मैं समझता हूँ आने वाले समय में, सबसे संवाद करने के बाद जो कुछ भी अगले कदम उठाने उसको उठाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें ढूंढने की कोशिश ना करें और कौन किस पद पर रहता है नहीं रहता, बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं। सब लोग जो कांग्रेस से संबंधित हैं वो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना चाहते हैं, जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा आंकलन लगाने की जरूरत नहीं है, जो होगा बढ़िया होगा, सबको साथ लेकर होगा। मैंने कल भी कहा था जो भी निर्णय लिए जाएंगे सबका उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हो, सबकी भागीदारी हो, सबके समन्वय के साथ काम हो, क्योंकि 3 साल के बाद दोबारा चुनाव जनता के बीच हमको लड़ने जाना है। अपने वादे पूरे होंगे, जनता की कसौटी पे खरा उतरेंगे, तभी पुनः कांग्रेस की सरकार चुनकर दोबारा वापस आएगी। कमेटी जो है वो बहुत जल्द राजस्थान में आने वाली है, कमेटी अपना काम भी करेगी, निकाय चुनाव भी होंगे, बदलाव अगर होंगे, चीजें बहुत अच्छे से चलेंगी, तो जाहिर सी बात है कि जो निचले स्तर के चुनाव है, निकाय चुनाव है, वो और चुनाव बन जाएगा, चुनाव रहेगा, तो बदलाव जो होगा उससे स्पीड बढ़ेगी कांग्रेस की। मुझे लगता है कि पहले जो चुनाव हुए थे बहुत बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया। विधानसभा में हम सिर्फ 21 सदस्य थे, बावजूद उसके हमने प्रधान बनाए, प्रमुख बनाए, 12-13 प्रमुख बने, अनेकों प्रधान बनाए। नगर पालिका चुनाव में हमने उस समय की जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की थी, वहां पर हमने चाहे झालावाड़ हो, चाहे बारा हो, चाहे धौलपुर हो, जो उस समय की मुख्यमंत्री का गढ़ था वहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। तो कोई कारण नहीं है कि अब जब जब भी चुनाव होंगे, जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, तो तमाम चुनाव हम जीतेंगे। धरातल पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। समय समय पर बदलाव भी होंगे, लेकिन संगठन के माध्यम से चुनाव जो हम लड़ेंगे उसमें निश्चित रूप से जीतेंगे। मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, इस पर अब टिकट टिप्पणी करने का कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया, उसका सबको आदर सम्मान करना चाहिए। निष्पक्ष जांच हो, सच बाहर निकल कर आए, ताकि सारी सफाई हो जाए। इसमें इतनी राजनीति करी जो गई है, मैं समझता हूँ वो रिक्वायर्ड नहीं थी। और अब अंततः जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया, उसके बाद इस बात पर पूरा विराम लग जाना चाहिए।
तो देखिए सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, उनसे जब सवाल किया गया उनके टोंक दौरे को लेकर तो उनका यही कहना कि टोंक उनका निर्वाचन क्षेत्र है। जब वो वहां पर पहुंचे तो लग रहा था कोरोना के चलते भीड़ नहीं होगी, लोग कम आएंगे, लेकिन लोग वहां पर पहुंचे और उनको काफी मान और सम्मान दिया और उसी के लिए सचिन पायलट उनके आभारी रहेंगे। साथ ही जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आंकलन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब कांग्रेस के जन हैं, कांग्रेस जन हैं और साथ मिलकर काम करेंगे। सचिन पायलट को आपने सुना लगातार एक ही बात, एक ही कहना कि हम सब एकजुट हैं और किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, जो निर्णय आलाकमान के द्वारा लिया जाएगा वो सर्वोपरि होगा, मंजूर होगा, यही उनका कहना। साथ ही यहां पर नारेबाजी भी हुई। हमारे महान नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के ऊपर उनकी चित्र को पुष्पांजलि अर्पित की गई है। राजीव गांधी जी ऐसे नेता थे जो आज डिजिटल क्रांति हम देख रहे हैं वो भारत को अगर किसी ने दी तो राजीव गांधी जी थे। 18 वर्ष के युवाओं को अगर वोट देकर के सरकारें चुनने का, अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया तो वो राजीव जी थे। महिलाओं को स्थानीय निकायों में और पंचायती राज में अगर 33% आरक्षण देने का काम किया तो वो राजीव जी थे। राजीव जी ने इस आधुनिक भारत के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और देश की एकता और अखंडता के लिए वो शहीद हो गए। मैं समझता हूँ राजीव जी नहीं होते और राजीव जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो ये जो आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार की व्यवस्था, मैं समझता हूं वो नहीं हो पाती। विपक्ष ने उस वक्त भी बहुत कुछ कहा था लेकिन आज जो स्वरूप दुनिया में जो स्थान भारत का बना है उसमें राजीव जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमने हमारे महान नेता को जो कम उम्र लेकर के आए थे, हमारे बीच में कम समय तक रहे, उनको हमने जयंती के उपलक्ष्य में ये जयंती पुष्पांजलि। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सरकारी कार्यक्रम है और सभी निकायों में और उसका किया जा रहा है, सस्ता भोजन जिनके लिए आवश्यकता है उनको मिलेगा और मैं भी वहीं यहीं से जाकर के उस कार्यक्रम में शरीक होऊंगा। मैं समझता हूं कि इंदिरा गांधी हमारी एक ऐसे नेता थी, आयरन लेडी, जिसने दुनिया को अपनी देश की ताकत भी दिखाई, दुनिया को मजबूत भी देश को दुनिया में किया और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जो देश और दुनिया याद रखती है। आज उनके नाम से हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारी सरकार ने ये जो योजना लॉन्च की है, मैं समझता हूँ इसका गरीबों को लाभ मिलेगा। और जो हमारी सरकार का एक स्लोगन है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, वो स्लोगन साकार होगा। भाजपा और भाजपा में केंद्र में बैठे लोग तो पूरे देश का अपमान कर रहे हैं, पूरी सेना का अपमान कर रहे हैं, पूरे युवाओं का अपमान कर रहे हैं। युवाओं से उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे कहाँ गए? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले वादे कहाँ गए? उन्होंने तो किसानों का अपमान किया जो अन्न को पैदा करता है, कि मैं किसानों की जो लागत है उसका 1.5 गुना उसको लाभ दिला दूंगा। वो वादे मोदी जी और मोदी जी की सरकार के कहाँ गए? मैं समझता हूँ केवल जुमलेबाजी करने का काम प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार का है और उसी की जो ब्रांचें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का स्टेट में शासन है वो जुमलों में माहिर हो गई है, चाहे वो शिवराज जी हों चाहे दूसरे कोई नेता हो। तो अपमान पूरे देश का करना छोड़ें, युवाओं का करना छोड़ें, किसानों का करना छोड़ें, गरीबों का अपमान। आपने देखा नोटबंदी और जिस प्रकार से ये कोरोना में वो सत्ता परिवर्तन षड्यंत्र रच रहे थे, वहां पर कितने मजदूरों का अपमान हुआ जिसने इस देश को बनाने का काम किया, तो उनको बोलने का कोई हक नहीं है इस तरीके से। धन्यवाद। देखिए 1986 में
राजीव गांधी जी नई शिक्षा नीति लेकर के आए थे और जो शिक्षा का ढांचा पूरे देश में दिख रहा है उसमें जवाहरलाल नेहरू के बाद में राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये जो शिक्षा नीति लाई जा रही है ये केवल मात्र 1986 की राजीव जी की शिक्षा नीति को तोड़ मरोड़ करके अपना ब्रांडिंग मोदी ब्रांडिंग देने की बात है। एक भी ऐसा विजन इस नई शिक्षा नीति में उन्होंने नहीं दिखाया है जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले ये नहीं दिखाया। स्टेट्स की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपने अपने सीमित संसाधन हैं, उसको कहां किस प्रकार से उनको बजट देना है। जो योजनाएं शिक्षा विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो, केंद्र से 90% एड मिलता था यूपीए सरकार के समय और 10% स्टेट को खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर सकते थे, योजनाएं लागू कर सकते थे, वो 60-40 का रेशो कर दिया। तो आप समझिए कि जो केंद्र सरकार 90-10 देती थी यूपीए की, वो एनडीए की आते ही 60-40 का रेशियो कर दिया। तो आंगनबाड़ियों में प्री प्राइमरी चलाने की बात कर रहे हैं, वहां पर संसाधन देने की बात नहीं करते हैं। कोई भी पॉलिसी हो केवल कागजों में नहीं रहनी चाहिए, वो धरातल पे आनी चाहिए और धरातल के लिए जो संसाधन या जो बात इनको करनी चाहिए थी केंद्र की सरकार को, वो नहीं किए। धन्यवाद। वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन पे निर्भर करता है कि जो गाइडलाइन केंद्र सरकार ने दी है वो मैंडेटरी है स्टेट्स के लिए, जिस एक्ट और जिस धारा में उन्होंने दी है। हमने आग्रह किया केंद्र की सरकार से कि स्टेट्स की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं तो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, अगर वो स्टेट्स पे छोड़ते हैं तो एक रोड मैप के साथ पे हम सरकार कब चालू करेगी स्कूलें उसके ऊपर हम निर्णय करेंगे। धन्यवाद। सबको पता 3 दिन से यही तो चला रहे हो भाई मेरे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर मीडिया से मुखातिब हुए, उनका भी एक ही कहना और साथ ही कहीं ना कहीं मोदी सरकार को भी घेरा है। नई शिक्षा नीति को लेकर जब सवाल उनसे किया गया तो उनका यही कहना कि राजीव गांधी जी जो शिक्षा नीति लेकर आए थे उसी को तोड़ मरोड़ कर मोदी ब्रांडिंग उसकी की जा रही है, ये उनका कहना। साथ ही कहा कि कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी की आज जयंती है, पुष्पांजलि सभा में वो सभी लोग उपस्थित हुए, साथ ही श्रद्धासुमन उन्हें अर्पित किए और लगातार जब स्कूल खुलने को लेकर भी सवाल उनसे किया गया तो उनका यही कहना कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप ही स्टेट्स काम करते हैं, वहां से जो कुछ भी गाइडलाइंस मिलेगी उसी का पालन किया जाएगा।